के नाम पर क्या क्या कचरा खाते हैं, केमिकल्स खाते हैं मेरे भगवान। मतलब ताकत की दवाई बोलो, सेक्स टॉनिक बोलो, पता नहीं क्या क्या, एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक, पावर ड्रिंक्स, बाजार सजे हुए, लोगों को पावर चाहिए, ताकत सबको चाहिए। लेकिन भैया ये ताकत बाजार में नहीं बिकती है, एक तो योगाभ्यास करो और साथ में जो सात्विक चीजें उनको खाओ। हाँ, ये जितने भी पावर ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं और जितने भी ये सब कचरा है ना केमिकल्स का, इससे बचना। पुरुषों को सुन लो, माताएं बहनों आप भी लिख लो, ये ताकत की दवाइयों के नाम पर जो धंधा चल रहा है मैं सोचता हूँ कि बंद होना चाहिए, बहुत खतरनाक है, इससे आदमी खत्म हो जाता है बाद, माने पूरी हड्डियाँ, उसका इम्यूनिटी, उसकी पूरी माने जीवनी शक्ति खत्म हो जाती है। एक शब्द प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में, जीवनी शक्ति स्टीराइड से, और ये तमाम जो केमिकल्स की ताकत की दवाई है ना, ये इससे ये खत्म हो जाती है। तो क्या करो, पुरुषों के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज। पहले कौंच के बीज नहीं मिलता था, सफ़ेद मूसली नहीं मिलती थी, वो भी अब आपको उपलब्ध करवा दी गई है, पतंजलि चिकित्सालयों से मिल जाएगी। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज। हम चाहते तो इसको ऐसे ब्लेंड करके बनाते हैं और उसको जो है पावर की ताकत की दवाई के नाम पर हम कुछ भी कितने महंगा बेच सकते थे। जैसे चाइना वाले जिंगसंग को बेचते हैं ना, चाइना में एक अपने अश्वगंधा जैसी एक जिंगसंग होती है, उसके कैप्सूल, एक एक कैप्सूल 500 रुपए का बेचते हैं, 500 रुपए का, और हमारी अश्वगंधा से के बराबर इफेक्ट है उस, मैं कम तो नहीं बताऊंगा, जिंगसंग के नाम पर ऐसी महंगी, माने मार्केटिंग कर। देखो मार्केटिंग एक अलग चीज है और जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं किसी भी मेडिसिन के वो अलग चीज है, ये मैं गुण धर्म के आधार पर बात कर रहा हूं। तो क्या बताया, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली और कौंच के बीज, ये इतनी अच्छी चीजें हैं ताकत के लिए, और इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाती है पुरुषों में, स्पर्म काउंट कम है तो वो भी बढ़ जाता है, किसी भी तरह की शारीरिक दुर्बलता, यौन दुर्बलता, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, तमाम तरह की समस्याएं अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच का बीज। दूध में थोड़ा शिलाजीत ले सकते हैं, और स्पर्म काउंट कम है तो उसके लिए तो हमने इस औषध दर्शन में भी दिया हुआ है, यौनामृत, चंद्रप्रभा और शिलाजीत रसायन। जिनके एक दो पॉइंट भी मोटिलिटी थी, स्पर्म काउंट कम थे, 10-15 साल से संतान नहीं हो रही थी, उनको संतान भी हो गई। माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी के लिए हम शिवलिंगी और पुत्र जीवक का बीज बताते हैं, शिवलिंगी और पुत्र जीवक। इसके ऊपर तो इतना लोगों ने विवाद किया, संसद तक में बखेड़ा किया। अरे भैया नाम है उसका, उसका पुत्र पुत्री से कोई लेना देना नहीं। माताओं के लिए शिवलिंगी पुत्र जीवक बीज पाउडर करके एक 2-2 ग्राम सुबह से हम गाय के दूध से दे देते हैं, और फलघृत एक एक चम्मच दूध के साथ, फलघृत। और ज़्यादा ही पीरियड आदि की समस्या है तो 10 मूल क्वाथ या 10 मूल अरिष्ट पिला देते हैं, इनफर्टिलिटी भी खत्म। तो ताकत के लिए माताओं के लिए भी दवाई बता दी, भाइयों के लिए भी दवाई बता दी। फिर इससे अष्ट धातु भी पुष्ट हो जाती हैं, ये जो आपको बताया ना, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज भाइयों के लिए और माताओं के लिए शतावर। तो ये ऐसे पौष्टिक चीज़ें लेती रहें, जैसे पौष्टिक आहार होता है ऐसे पौष्टिक औषधियाँ भी हैं। पौष्टिक आहार का तो सबको पता है, पौष्टिक औषधियों का कम लोगों को पता है। जैसे पौष्टिक आहार में सबको पता है, बादाम खाओ, दूध पियो, प्रोटीन डाइट लो, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है उससे ताकत मिलेगी, मसल्स मजबूत होंगे। जिन तत्वों की कमी है तो उसकी कमी के लिए भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, कैल्शियम, आयरन आदि कमी के लिए अलग अलग उन चीज़ों के लिए। पौष्टिक आहार में जैसे फल हैं, पौष्टिक आहार में जैसे दूध है, दही है, ऐसे अच्छी चीज़ों का सेवन करते हैं, ऐसे पौष्टिक औषधि भी है। तो माताओं बहनों के लिए सबसे अच्छी पौष्टिक औषधि क्या है बोलो, शतावर। वैसे शतावरी चूर्ण तो शतावर भी बोलते हैं, शतावरी भी बोलते हैं, शतावर चूर्ण तो माँ बहन बेटियों को जो
जैसे बहुत कमजोर बेटियां हैं तो अविवाहित बेटियों को भी देना चाहिए, इसका कोई वैसा नहीं है, इसका कोई शादी विवाह से कोई संबंध नहीं है। अविवाहित बेटियां भी ले सकती हैं और विवाहित माताएं भी ले सकती हैं, और भाई भी जो बहुत दुर्बल हैं, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये अविवाहित भी ले सकते हैं। कोंच का बीज विवाहित पुरुषों को ही लेना चाहिए।